अखिलेश यादव का जन्मदिन है और 48वां जन्मदिन मनाया जा रहा है पार्टी कार्यालय के बाहर। आप देखिए कि किस तरीके से तैयारियां हैं और लगातार कार्यकर्ता हर जगह पूरे जनपद के मुख्यालय मनाया जा रहा है। अभी कुछ देर बाद केक काटा जाएगा। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, खासा जोश है और किस तरीके से लोग मना रहे हैं, हम बात करते हैं कार्यकर्ताओं से, किस तरीके से आप लोग जन्मदिन मना रहे हैं? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और उत्तर प्रदेश के पूर्व लोकप्रिय और जिसे हम कहते हैं एकदम उन्नतिशील सोच और कर्मठ जननायक का जन्मदिवस है आज। और ये हमारे लिए एक त्यौहार जैसा है और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए नहीं पर उत्तर प्रदेश के जनता के लिए भी ये दिन बड़ा खास रहता है। उनके जननायक का जन्मदिवस होता है तो जिसके जो भाव होते हैं अपने मुख्यमंत्री जी के प्रति, चाहे वो हवन करके, पूजन करके, गरीबों को खाना खिलाकर या सेवा करके, कुछ भी करके, जिसके जैसे भाव है तो होते हैं अपने मुख्यमंत्री जी के लिए, वैसे करके वो यहाँ पे और राजधानी में उनका जन्मदिन मना रहे हैं। मुलाकात हुई आपने, मुलाकात करके विश किया, क्या गिफ्ट लेके जा रहे हैं? देखिए, इस बार तो मैं सबसे ज़्यादा अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तोहफे के रूप में, हम उन्हें क्या देंगे, उनका नेतृत्व हमारे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सबसे बड़ा तोहफा है और मुझे लगता है कि 22 में जो कि हम उन्हें तोहफा दे पाएंगे, उनके लिए जन जन में जाकर काम करना, उनकी सोच, उनके विचारों को रखना ताकि फिर से प्रदेश की कमान उनके हाथ में आए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कार्यकर्ताओं का उत्साह काफी है, उनका सीधे तौर पर मानना है कि 22 में जमीन में मेहनत करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाए, इससे बड़ा जन्मदिन का तोहफा उनके लिए कुछ हो नहीं सकता। अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है और 48वां जन्मदिन मनाया जा रहा है पार्टी कार्यालय के बाहर। आप देखिए कि किस तरीके से तैयारियां हैं और लगातार कार्यकर्ता हर जगह पूरे जनपद के मुख्यालय मनाया जा रहा है। अभी कुछ देर बाद केक काटा जाएगा। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, खासा जोश है और किस तरीके से लोग मना रहे हैं, हम बात करते हैं कार्यकर्ताओं से, किस तरीके से आप लोग जन्मदिन मना रहे हैं? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और उत्तर प्रदेश के पूर्व लोकप्रिय और जिसे हम कहते हैं एकदम उन्नतिशील सोच और कर्मठ जननायक का जन्मदिवस है आज। और ये हमारे लिए एक त्यौहार जैसा है और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए नहीं पर उत्तर प्रदेश के जनता के लिए भी ये दिन बड़ा खास रहता है। उनके जननायक का जन्मदिवस होता है तो जिसके जो भाव होते हैं अपने मुख्यमंत्री जी के प्रति, चाहे वो हवन करके, पूजन करके, गरीबों को खाना खिलाकर या सेवा करके, कुछ भी करके, जिसके जैसे भाव है तो होते हैं अपने मुख्यमंत्री जी के लिए, वैसे करके वो यहाँ पे और राजधानी में उनका जन्मदिन मना रहे हैं। मुलाकात हुई आपने, मुलाकात करके विश किया, क्या गिफ्ट लेके जा रहे हैं? देखिए, इस बार तो मैं सबसे ज़्यादा अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तोहफे के रूप में, हम उन्हें क्या देंगे, उनका नेतृत्व हमारे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सबसे बड़ा तोहफा है और मुझे लगता है कि 22 में जो कि हम उन्हें तोहफा दे पाएंगे, उनके लिए जन जन में जाकर काम करना, उनकी सोच, उनके विचारों को रखना ताकि फिर से प्रदेश की कमान उनके हाथ में आए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कार्यकर्ताओं का उत्साह काफी है, उनका सीधे तौर पर मानना है कि 22 में जमीन में मेहनत करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाए, इससे बड़ा जन्मदिन का तोहफा उनके लिए कुछ हो नहीं सकता। कैमरा पर्सन दिलीप रजक के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।